तो वहीं जयपुर में एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग और बेरोजगार युवाओं के हक को लेकर बेनीवाल ने राज्य सरकार पर हमला बोला। रैली में बेनीवाल ने छात्रों को सलाह दी, जिस दिन आप एक जगह बैठना सीख लेंगे उस दिन लक्ष्य प्राप्त करना भी सीख लेंगे। बेनीवाल ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी पर भी निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों सरकारों में 26 बार पेपर लीक हुए, आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। तो हनुमान बेनीवाल ने आपने देखा कि किस तरह से युवाओं को यहां से साधने की कोशिश करी है, भले ही वो कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रहे हो, लेकिन आप इस बात से क्योंकि चुनावी साल है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। छात्र संघ चुनाव एक अहम मुद्दा है क्योंकि इस पर आपने देखा कि किस तरह से रोक लगाई, कैसे राजनीति इस पर गरमाई और छात्र चाहते हैं कि चुनाव होने चाहिए। उनका कहना है कि उनसे उनका राजनीतिक भविष्य बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर रोक लगाने के बाद अब उनमें नाराजगी देखी जा रही है। भाइयों, छात्र संघों को कमजोर करने का जो कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया और प्रयास की लंबी जो गाथा है, उनकी किसी जगह अशोक गहलोत है क्या बीजेपी से बात करो, अगर चुनाव हुए जिस तरह पिछली मर्तबा राजस्थान विश्वविद्यालय सहित तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई चुनाव जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं और इस प्रदेश के अंदर जिस तरह हमारी बहनें बच्चे दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं, जिस तरह अपराधी सरेआम चाहे जिसकी सुपारी ले लेते हैं, नेताओं की अधिकारियों की सुपारी ले लेते हैं, वो नया मतदाता इस बार चाहेगा कि ऐसा राजस्थान बने जाने पेपर लीक हो ना कोई बलात्कार हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले उनको ऐसा महसूस हो कि वो घर के आंगन के अंदर घूम रही है, ऐसा राजस्थान पहला मतदाता चाहेगा। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, जिस तरह से आपने देखा कि छात्रों के जरिए युवाओं को जिस तरह से आज साधने की हनुमान बेनीवाल ने कोशिश की है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है और पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया है, लेकिन असल मुद्दा यह था कि छात्र संघ चुनाव, अब ऐसे में आप इसको कैसे देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर कैसी स्थिति दिखाई दे रही है, क्या वाकई में जो है वोट बैंक इससे हनुमान बेनीवाल का बढ़ेगा? बिल्कुल खुशबू, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो हनुमान बेनीवाल है वो युवाओं को साधने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब पिछले अगर चुनावों को भी देखा जाए तो ज़्यादातर इस जो आरएलपी है उसके साथ युवाओं की फौज खड़ी दिखाई देती, और वही कारण है कि अब जब छात्र संघ चुनावों पर रोक लगी तो हनुमान बेनीवाल वहाँ पर युवाओं के साथ खड़े नजर आए। और युवाओं के लिए आज उन्होंने कई बार प्रदेश में 4 रैलियां अब तक वो कर चुके हैं, उसके बाद आज जयपुर में रैली की थी, हालांकि उस रैली में अपेक्षा के अनुरूप भीड़ नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने संबोधन में युवाओं के बहाने जो अधिकार है यानी छात्र संघ चुनाव का जो युवाओं का अधिकार है और बेरोजगारी और उनके हक को लेकर आज उन्होंने जो रैली की, हुंकार रैली, तो उसके बहाने कांग्रेस और बीजेपी पर भी लगातार कटाक्ष और प्रहार किए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो राजनेता हैं इस समय वर्तमान राजनीति में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा राजनेता हैं राजस्थान में, जो छात्र संघ के चुनाव की सीढ़ी के सहारे ही आज प्रदेश की राजनीति में अपना मुकाम हासिल किए हुए, लेकिन जब चुनाव छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी तो इनमें से एक भी राजनेता यहां पर सामने आया नहीं छात्रों के हित में, और आरएलपी को उसकी लड़ाई लड़नी पड़ी और आरएलपी लगातार इसको लेकर लड़ाई लड़ रही है। साथ ही उन्होंने यहाँ तक जो कहा कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं उनके बारे में कहा कि वो युवाओं की नाराजगी मोल नहीं ले क्योंकि उनके जो सुपुत्र हैं उनको राजनीति में आगे बढ़ाना है, तो उस राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए अगर उनको नेता बनाना है तो युवा और जो छात्र हैं वो इसके सहारे होंगे, अगर उनकी नाराजगी होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, न चुनाव जीत नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी को लेकर भी कटाक्ष किया कि जो बीजेपी है वो लगातार दिखावे की राजनीति कर रही है, युवाओं को साथ लेके नहीं चल रही है। एक बड़ी बात हनुमान बेनीवाल ने यह भी कही
कि प्रदेश में इस बार जो अक्टूबर है वहाँ मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है, तो उससे पहले लगातार इस 5 सालों में करीब जो 4 से 7 लाख नए मतदाता जुड़ने की बात उन्होंने कही और कहा कि ये दिशा तय करेंगे। तो ऐसे में अगर युवा उनके साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरह से आज वो मंच से गरजते हुए नजर आए विपक्ष, और जिस तरह से उन्होंने सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस पर और बीजेपी पर भी निशाना साधा, तो इसके बाद जाहिर तौर पर इसे चुनावी रैली कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल, ये चुनावी रैली कही जा सकती है क्योंकि लगातार अब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में राजनीतिक जो दल हैं वो अपने अपने हिसाब से सभाएं आयोजित कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो रैली है युवा हुंकार रैली और छात्र अधिकार और युवा हुंकार रैली है वो कहीं ना कहीं चुनावी रैली में तब्दील भी। और उन्होंने आज जो भाषण दिया, संबोधित किया युवाओं को, वो इसी लिहाज में कहा कि अगर सरकार बनती है, युवा एक 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 साथ इकट्ठे होकर उनका समर्थन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार अगर नज़दीक भी पहुंचते हैं तो वो युवाओं को तमाम अधिकार दिलाएंगे, युवाओं के लिए जितने जो भत्ता है और बेरोजगारी भत्ता है वो तमाम दिलाएंगे। इसके अलावा वो उन्होंने कहा कि जो पेपर लीक सहित जो अन्य मामले हैं उनको रोकने के साथ ही जो इस तरह के जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे। तो कुल मिलाकर इसको चुनावी रैली कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो विष्णु, आप जैसा कि बता रहे हैं कि हालांकि उम्मीद से कम भीड़ दिखाई दी, लेकिन जितनी भी भीड़ दिखाई दी छात्र छात्राओं की, उनका रुझान किस तरह से दिखाई दिया हनुमान बेनीवाल की तरफ, आरएलपी की तरफ? बिल्कुल खुशबू, क्योंकि जो छात्र नेताओं के साथ जो युवा और छात्र आए थे वो पूरी तरह हनुमान बेनीवाल के समर्थन में थे। जब हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उनकी जो छात्र संघ चुनाव को लेकर मांग है और उसको लेकर वो यहाँ कूच कर सकते हैं सचिवालय घेराव को लेकर, सीएम घेराव, आवास घेराव को लेकर, तो युवाओं को जोश देखा गया और उन्होंने कहा कि लगातार हुटिंग करके उनका समर्थन किया। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उनकी जो है प्रशासन से वार्ता चल रही है, वो वार्ता सफल रहती है उसके बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे। और इसको लेकर जितने भी युवा थे सभा में मौजूद थे वो एक स्वर में बेनीवाल का समर्थन करते हुए नजर आए। ये देखने वाली बात है कि जिस चीज की बात हो रही थी बार बार और राज्य सरकार जिसको कह रही थी कि ऐसा नहीं लगता है कि छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये विधायक के चुनाव हो रहे हैं, सांसद के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पैसा खर्च होता है, जो हुड़दंग दिखाई देता है, तो वही हुड़दंग दिखाने की तो बात हो रही है। अगर घेराव किया जाता है तो छात्र जो है जिन्हें शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिन्हें आगे अपने करियर के लिए ध्यान देना चाहिए, अगर वो राजनीति की बात करते हैं तो उस और ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन करना चाहिए। तो स्थिति जो है वही दिखाई दे रही है जो कि राज्य सरकार कह रही थी। खुशबू, ये बात सामने आई थी क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि जो लिंगदोह कमेटी जिसके आधार पर ये छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाने की बात कर रही है, वो दिल्ली का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जब छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में राजस्थान में रोक क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि युवा है अगर राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो भविष्य में जो नेता है वो यहाँ राजस्थान जो छात्र राजनीति है उससे ही तैयार होंगे, क्योंकि छात्र राजनीति है वहाँ से युवा जब तैयार होते हैं तो वो आगे राजनीति में कदम रखेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें इस समय वर्तमान में अगर चुनाव पर रोक लगती है तो कई जो छात्र नेता हैं जिन्होंने लंबी तैयारियां कर रखी थी चुनाव लड़ने की और वो अगर रोक लगती है तो ओवरेज होने की उनके चांसेज है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब सरकार को इसमें रोक हटा लेनी चाहिए। हालांकि अभी सरकार से उनकी वार्ता चल रही है, देखना होगा क्योंकि ये मसला आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे में क्योंकि राज्य सरकार भी और हनुमान बेनीवाल भी, बीजेपी भी, तमाम अन्य दल भी तैयारी चुनाव की कर रहे हैं, तो इसमें छात्र संघ चुनाव होते हैं कि नहीं होते ये देखने वाली बात होगी। इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे खबर पर जानकारी लेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए।